हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, इन दिनों बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ कार्यरत शिक्षक शिक्षिका भाई बहन खासे परेशान हैं। और परेशान दोस्तों हो क्यों ना, कहीं शिक्षकों की नौकरी के ऊपर आँच आई है तो कहीं शिक्षक मूल विद्यालय जहां कार्य कर रहे हैं वहां से हटने को विवश हैं। सरकारी जो आदेश आ रहे हैं उनकी वजह से शिक्षकों में अस्थिरता दोस्तों बनी हुई है। शिक्षक शिक्षण कार्य से अपने को जोड़ नहीं पा रहे हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं जिसको समय अंतर्गत अपने अंतिम मुकाम पे जाना है, लक्ष्य को पाना है, उसे कोई मशीन कभी पूरा नहीं कर पाएगी और उसको ना ही मैकेनिकल जो एक इम्प्लीमेंटेशन की योजना है वो भी पूरा नहीं कर पाएगी। आखिरकार बच्चों के साथ समायोजित रह करके, बच्चों के मनोविज्ञान को समझ करके शिक्षा दीक्षा देना और उन्हें काबिल बनाना शिक्षकों का काम है। ये जितने भी टूल्स हैं, ये जितने भी पेडोगोजी हैं, ये जितने भी इनोवेटिव मेथड्स और तरीके हैं, उन सारे तरीकों को शिक्षकों को ही आत्मसात करने होते हैं और अपने को एनरिच करना होता है। और इन सब चीज़ के पीछे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो बच्चा है उसके ज्ञान कौशल में वृद्धि हो। लेकिन जब इनपुट के लेवल पे डिससेटिस्फेक्शन होगा, इनपुट के ही लेवल पे इनकल्केशन में प्रॉब्लम आएगी तो आउटपुट क्या होगा इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शिक्षकों के समायोजन की बात हो रही है, एक विद्यालय में अतिरिक्त शिक्षक हैं उन्हें दूसरे विद्यालय में भेजने की बात हो रही, और उधर जो ज़्यादा से ज़्यादा सफरर हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षक हैं उनका भविष्य ही धूमिल दिख पड़ रहा है। दोस्तों, इस समय उनका जो फ्यूचर है वही डोरमेंट है। गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उनके संबंध में जब तक फुल प्रूफ नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट एक ऐसी तौर तरीके से उनके साथ खड़ी नहीं होगी जिससे ये पता चले कि उनका जो फ्यूचर है वो डोरमेंट नहीं है, फ्यूचर उनका सेफ है, और जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो कार्य की जो दशाएं हैं तभी अनुकूल हो पाएंगी। अभी ये बात जो निकल करके आई है माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से 31 मार्च वर्ष 2025 तक कार्य करते रहने की, किसी शिक्षक को ना छेड़ने की, वो माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से है। सरकार के द्वारा इस तौर तरीके से किसी भी प्रकार का आधिकारिक पत्र दोस्तों अभी नहीं निर्गत हुआ है। सरकार अगर हूबहू कोर्ट के जो बातें हैं उसे हूबहू वैसे ही औपचारिक रूप से निकालती है तो भी शिक्षकों के अंदर एक प्रकार का रोष आशंका भय व्याप्त होगा। शिक्षकों के अंदर वो भय आशंका और रोष को समाप्त करने के लिए वन स्टेप अहेड गवर्नमेंट को चलना होगा और उनके हितों के लिए उसे एक शील्ड कवर के रूप में सामने आना पड़ेगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं कि समायोजन की प्रक्रिया जो कि गतिमान है, जो कि अपने डाटा को दुरुस्त करने के लिए पोर्टल खुल गया है, आप अपने डाटा को दुरुस्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का नाम, DOB, ज्वाइनिंग या इससे रिलेटेड कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर शिक्षक पूछा करते हैं, उसके जवाब हैं। तो आइए दोस्तों, आज उन्हीं जवाबों और उन्हीं प्रश्नों पे हम गौर फरमाते हैं और आशा करते हैं, प्रभु से कामना भी करेंगे कि शिक्षक संकट के इस जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे वो उभरें, सरकार के अंदर भी एक गुडविल आए, एक खुशनुमा वातावरण शिक्षकों के चहुओर व्याप्त हो, ताकि वो अच्छे मनोवैज्ञानिक और अच्छे शासकीय सामाजिक वातावरण में काम करके
बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। इसी के साथ आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न पहला है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, FAQ। इसमें है, एक विद्यालय में 15 नामांकन पर एक हेड और एक सहायक कार्यरत। दोस्तों मात्र 15 नामांकन है, प्रश्न बनता है, बनना चाहिए भी, कि भाई 15 ही नामांकन है और 15 नामांकन पे इस तरीके का मामला है और 15 नामांकन पे एक हेडमास्टर साहब और एक असिस्टेंट काम कर रहे हैं, एक रिक्ति और दिख रही है, 1 vacancy इज आल्सो शोइंग। तो इसका आंसर दिया गया है कि हेड को 151 से कम संख्या होने पर अन्य किसी PS हेड में या UPS सहायक में समायोजित किया जाना प्रस्तावित, इसलिए उनके पद को शून्य मानते हुए 60 नामांकन तक दो सहायक रखे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि 15 नामांकन पे एक शिक्षक कार्य कर रहा है, ऑलरेडी वर्क कर रहा है, हेडमास्टर साहब कार्य कर रहे हैं, तो एक वैकेंसी क्यों शो हो रही है। तो यहाँ पे इसका जवाब है कि 60 नामांकन तक दो असिस्टेंट, कुल मिलाकर के एक PS में दो असिस्टेंट दोस्तों जाएंगे ही जाएंगे और हेडमास्टर साहब वहाँ से अन्य विद्यालय की ओर गमन करेंगे जहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो किसी PS के हेड बनेंगे या किसी कंपोजिट विद्यालय या UPS में जाकर के सहायक हो जाएंगे जैसी वैकेंसी आएगी। आगे चलते हैं। दूसरा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 53 नामांकन 61 से कम है पर एक हेड, दो सहायक और एक शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, किसका समायोजन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 53 की संख्या देख पा रहे हैं, 60 तक दो नामांकन है, दो सहायक ऑलरेडी हैं ही, शिक्षा मित्र की कोई बात ही नहीं, हटेगा कौन, हेडमास्टर साहब हटेंगे। अब कनिष्क और वरिष्ठ का मामला दोस्तों नहीं रह गया, अभी तक यही था कि लोग कोर्ट जा रहे हैं, जूनियर का तबादला या जूनियर का समायोजन ना हो, सीनियर का हो, या ऐसी बातें कुछ निकल के आ रही थी। अब सरकार तो साफ साफ कह रही है कि हम साइमल्टेनियसली प्रोसेस चला रहे हैं, हम सीनियर को भी हटा रहे हैं, जूनियर को भी हटा रहे हैं। अब आप कोर्ट में क्या बात रखेंगे, शिक्षक लोग कोर्ट में जाके क्या बात रखेंगे। सरकार के पास तो आप देख पा रहे हैं एक पत्र के बाद दूसरा पत्र निकलता है, एक पत्र में सहायक शिक्षकों के समायोजन की बात होती है, दूसरे पत्र में हेडमास्टर के समायोजन की बात हो रही है। तो अब जो शिक्षकों में एक बात थी कि हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, लंबे समय से शिक्षक जमे हैं, तो लंबे समय से शिक्षक अब नहीं जमेंगे, उनको वहाँ से उखाड़ करके फेंका जाएगा। पूरी की पूरी व्यवस्था दोस्तों हो चुकी है। FAQ 3 है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एक विद्यालय में 74 नामांकन 91 से कम है, तो 30 से आप देख लो, 30 दूनी 60, 60 तो हो ही गए, फिर 90 पे 3 होंगे ना, तो यहाँ पे 74 नामांकन है, तो कुल मिलाकर के यहाँ 3 सहायक तो दोस्तों होंगे ही और यहाँ पे एक हेडमास्टर साहब कार्य कर रहे हैं, 4 सहायक, 2 शिक्षा मित्र, शिक्षा मित्र को आप छोड़ो, यहाँ पे 3 सहायक की ज़रूरत है, तो एक कनिष्ठ हटेंगे और हेडमास्टर साहब भी हटेंगे। सब बराबर बराबर से चल रहा है, अब किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सीनियर नहीं जा रहा है, सीनियर भी जा रहा है, जूनियर भी जा रहा है। अगर हेड को 150 से कम संख्या पर पूर्ववत व्यवस्था के तहत ही रखा जाता तो ये तय था कि हर ज़िले में 30 जून की छात्र संख्या पर समायोजित होने वाले कनिष्ठ सहायकों की संख्या वर्तमान की तुलना में 2 से 2.5 गुना अधिक हो जाती और फिर इन्हें समायोजित करने के लिए अधिकतर जिलों में इतने रिक्त पद विद्यालय ही न मिलते। तो सीधी सी बात है कि ऑलरेडी अगर हेड टीचर वहाँ पे बने रहते तो सहायक वहाँ पे जाते और शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो जाती, इसीलिए हेड टीचर को हटाया जा रहा है, शायद इसीलिए अचानक से ये ST हटाओ के नए फार्मूले को लाकर अब एक तीर से 2 निशाने साधे जा रहे हैं। अब इस प्रक्रिया से पदोन्नति की कोई खास आवश्यकता नहीं रह जाएगी, साथ ही साथ इनकी उपस्थिति वाले 150 से कम छात्र संख्या के सैकड़ों प्राथमिक विद्यालयों में सहायकों के लिए एक अतिरिक्त पद बढ़ जाने से हर ज़िले में सरप्लस
कनिष्ठ सहायकों की संख्या में भारी कमी आई तो कई विद्यालयों में समायोजन के लिए एक अतिरिक्त पद भी सृजित हो गया। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी बातें हैं। अब अभी तो सारा का सारा माहौल 69,000 शिक्षक भर्ती की ओर बेसिक एजुकेशन में बढ़ चुका है। कई हमारे यूट्यूब पे हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ये प्रश्न उनके जहन में आता है कि अब शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती के ही शिक्षक हैं जो कि समायोजन के जद में आ रहे हैं। अब उनके भविष्य को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या समायोजन होगा? दोस्तों बिल्कुल समायोजन होगा। 31 मार्च 2025 तक सारे शिक्षक इसी खेमे में कार्य कर रहे हैं, विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो विभाग की जो व्यवस्था है, योजना है, उसके तहत तो उन्हें समायोजित होना ही है। रही बात शिक्षकों को जो है उनकी जॉब पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब का तब है, तब भविष्य में देखना होगा, लेकिन जॉब पे अभी ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से जो कायनात या पृष्ठभूमि से कुछ सकारात्मक विधायक ऊर्जा आती है वो आ रही है, और उसमें ये बातें हैं कि शिक्षकों को उनके पद पे रहने दिया जाएगा, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। लंबे समय से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि कोई नकारात्मक बातें हो जाएं और उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपनी एक व्यवस्था, अपना मुकाम बनाना पड़े, वो एक अलग विषय है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द आपके समक्ष ऐसे ही अन लेटेस्ट अपडेट के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।